हम लोग बहुत पिछली क्लास में जीव विज्ञान में जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो अध्याय 5 था वो खत्म कर दिए हैं। उसमें लगभग लगभग जो मेन टॉपिक था जो आप लोग के लिए जरूरी था सारा चीज हमने एक बार रिविजन कराया, जो भी देखा जाएगा आपको अगर दिक्कत हो तो। अब सेकेंड चैप्टर जेनेटिक्स में हमारा है आनुवांशिकता का आणविक आधार, आनुवांशिकता का आणविक आधार, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें पिछले चैप्टर हमने क्या देखा कि मेंडल साहब ने क्या कहा कि जीव में एक कारक होता है, फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर या कारक, हिंदी में कारक और अंग्रेजी में फैक्टर, क्या होता है वास्तव में कोई पूछ देख लेंगे कि कारक या फैक्टर होता क्या है, इसे बात से जीन कहा गया, जिसको कहते हैं कैरेक्टर कंट्रोलिंग साइट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, कैरेक्टर कंट्रोलिंग साइट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, लक्षणों को निर्धारित करने वाले चीज या वस्तु जो कहां प्रेजेंट रहता है, गुणसूत्र पर, कैरेक्टर कंट्रोलिंग साइट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। गुणसूत्र पर जो लक्षणों को निर्धारित करने वाले स्थल होते हैं, गुणसूत्र पर जो लक्षणों को निर्धारित करने वाले स्थल होते हैं उसे फैक्टर कहा जाता है। तो मेंडल साहब ने अपना कंसेप्ट दिया या उसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े कि खास चीज होता है जिसके हेल्प से लक्षणों की वंशानुगति होती है। हम लोग पढ़े कि डीएनए है जिसे आनुवांशिक पदार्थ, उसका एक छोटा सा सेगमेंट कहलाता है जीन, जिसे अनुवांशिक इकाई कहते हैं। हर जीन सजीव में एक खास लक्षण को निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ है कि डीएनए जो अनुवांशिक पदार्थ है जो कि अनुवांशिक सूचनाओं का स्टोर हाउस भी होता है, अनुवांशिक सूचनाओं को इकट्ठा किया रहता है और वो अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक भी होता है, कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस, ये अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक यानी कि माता पिता के सूचना को बच्चों तक लेके जाता है, वो डीएनए होता है, कैरियर ऑफ जेन मतलब कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है क्या, डीएनए। अगर डीएनए का बनावट कैसा होता है, डीएनए का केमिस्ट्री क्या है, आखिर ये डीएनए या जीन होते क्या है जो इतना बड़ा काम कर पाते हैं, जो हम जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए डीएनए जीन जो बात कर रहे हैं, आखिर क्या है इसका रसायन है क्या, इसका बनावट कैसा है, इतना बड़ा काम कर कैसे पाते, यही चीज हम लोग को यहाँ देखना है। कैसे डीएनए या एक जीन कैसे खास लक्षणों को निर्धारित करते हैं, कैसे सजीव के पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे कि डीएनए है क्या, इसका रासायनिक बनावट कैसा है, फिर हम देखेंगे कि कैसे एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है, फिर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे डीएनए अपने सूचना को आरएनए को दे पाता है या डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, पहले हम देखेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, फिर देखेंगे कि कैसे डीएनए अपने सूचना को आरएनए तक दे पाता है या डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, फिर देखेंगे आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, यानी कि फाइनली जीन क्या बनाता है, प्रोटीन। और हम जानते हैं कि शरीर में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जो भी पाचन क्रिया होती है, उनके लिए एक खास चीज जरूरी होता है, इसे कहते हैं बायो कैटालिस्ट, वो क्या होता है, एंजाइम। तो हमारे शरीर के जितने एंजाइम्स होते हैं, जो खमीर होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं और फाइनली प्रोटीन किससे बनता है, जीन से बना होता है। तो ये सारा चीज यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये भी इस चैप्टर में देखा जाएगा कि डीएनए या जीन जो अपना काम करता है, क्या उस काम को कोई देखरेख करता है कि नहीं, उस काम का नियंत्रण होता है कि नहीं, या कि वो स्वतंत्र है। तो इसमें भी देखा जाएगा कि कैसे डीएनए या जीन का जो काम होता है, यानी कैसे जो फाइनली जीन या डीएनए से प्रोटीन बना, उस काम का नियंत्रण कैसे होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ये भी पढ़ना चाहिए। फिर और दो टॉपिक है जिसे मानव जीवन परियोजना है और डीएनए उंगली छापने वाला। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों से, जो लोग भी हमारे बच्चे हैं, जो भी कोचिंग से जुड़े हुए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखने बैठिए तो रॉफ कॉपी लेके जरूर बैठिए, और एनसीईआरटी बुक, मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक आपके लिए सफिशियंट है, और तो
हिंदी या अंग्रेजी में जो भी बुक हो आपके पास, आप एनसीईआरटी बुक भी लेके बैठिए साथ में और रफ कॉपी जरूर से बैठिए, और जैसे जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वैसे वैसे रफ में उतारिए और फिर उसको उतारने के बाद एक बार पढ़िए और फिर बुक से एक बार रिविजन कर डालिए कि हम क्या बताएं, उसमें कुछ छोटा तो नहीं या समझ में आ रहा है। क्या रखना है कि जब भी वीडियो देखने बैठना है तो रफ कॉपी लेके जरूर बैठना है और उसको बोर्ड पर से उतारना है, ठीक है, उतारना है, पढ़ना है और फिर बुक से रिवाइज करना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग मेरा बात मानिएगा क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। तो सबसे पहले बाब हम देखेंगे कि डीएनए का रासायनिक बनावट क्या है। चलिए, तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से कुछ नहीं जानते हों। आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि सजीवों का सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिका, पता है ना? कोशिका को सजीव शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इतना तो बात आप लोग जानते हैं। तो देखिए ये कोशिका है, सपोज ये क्या है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, मानव कोशिका है या किसी जीव का कोशिका है, जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका है तो इसका आवरण क्या होगा, ये कोशिका झिल्ली हो गया, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या रहता है, पता है इसके अंदर क्या है, केंद्रक। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक, एक झिल्ली से घिरा होता है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आप देखिएगा कि लंबा पतला धागा जैसा एक संरचना पाया जाता है, ये वास्तव में क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं, ये आप यहां देखिए, इसे कहते हैं, ये हो गया क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन, CHROMATIN, क्रोमैटिन फाइबर, हिंदी में इसे क्रोमैटिन रेशा कहेंगे या क्रोमैटिन फाइबर, CHROMATIN, क्रोमैटिन फाइबर। यही जो केंद्र के अंदर जो लंबा पतला धागा जैसा जो उलझा हुआ संरचना होता है जो क्रोमैटिन फाइबर है, यही जब कोशिका परिपक्व हो जाता है और विभाजन के लिए तैयार होता है तो यही छोटा और मोटा होकर के क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है, क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है, गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाता है, कोई दिक्कत। अभी बाबू जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र है ये वास्तव में क्या है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन थ्रेड है, ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन ये थ्रेड है, न्यूक्लियो प्रोटीन थ्रेड, NUCLEOPROTEIN थ्रेड, THREED, थ्रेड माने धागा, और न्यूक्लियो प्रोटीन को हम देखेंगे तो ये दो चीज से बना है। तो यहां से पहले थोड़ा बहुत यहां देख लें, ये जो आपका इसके अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, जो लंबा पतला धागा है ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन फाइबर, यही क्रोमैटिन फाइबर क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया। पहले भी आप लोगों को हम पढ़ाए होंगे एलिमेंट में जो आप लोग आए थे, तो ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र वास्तव में जब कोशिका विभाजन होता है तो हम देखते हैं मेटाफेज स्टेज वगैरह में, ये प्रत्येक जो गुणसूत्र है ये दो धागे का बना होता है, कितने धागे का बना होता है, प्रत्येक गुणसूत्र दो धागे का बना होता है, इस दोनों धागे को क्या कहा जाता है, इस दोनों धागे को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड, ये दो धागे का बना हुआ है गुणसूत्र, इसे क्या कहेंगे, क्रोमैटिड कहते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कितने धागे का बना होता है, दो धागे का बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड, छोटा बना लेते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, क्रोमैटिड कहते हैं, दो धागे का बना, इसे क्या कहेंगे, क्रोमैटिड, प्रत्येक क्या हो गया, ये क्रोमैटिड हो गया, क्रोमैटिड, हिंदी में भी आप क्रोमैटिड कहते हैं, यानी कि ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है,
केंद्र के अंदर क्या मिला? तो क्रोमेटिन फाइबर, उससे क्या बना? गुणसूत्र। गुणसूत्र दो धागे का बना होता है, इस तरह से दो धागे हैं जो एक खास पॉइंट पर जुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर या क्रोमोमियर। एक है प्रत्येक के क्या है? क्रोमेटिन कहलाते हैं, प्रत्येक एक धागा, इसे गुणसूत्र बना होता है। अब इस एक क्रोमेटिन को जब आप खींचिएगा उसको, या इसको जब देखा जाएगा, तो इसमें आपको ऐसा संरचना मिलेगा। या इस क्रोमेटिड को जब हम खींचेंगे, ऊपर बना लेते हैं पिक्चर, इस क्रोमेटिड को जब हम खींचते हैं तो कैसा संरचना मिलता है? ऐसा संरचना मिलता है। ऐसा संरचना मिलेगा। इस संरचना को क्या करते हैं? यही होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? अति कुंडलित, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है डीएनए। अति कुंडलित, हाईली क्वाइल्ड। आप देखिए भैया कि जैसे कोई स्प्रिंग है छोटा सा, तो खींच के बड़ा कर सकते हैं। रेडियो वगैरह में देखिएगा कि ट्रांसमीटर में, रेडियो में, टीवी वगैरह में जो कॉपर के क्वाइल होते हैं, अब इतना बड़ा कॉपर क्वाइल है उसको हम खींच के कितना ले जा सकते हैं। उसी तरह से जो डीएनए है वो अति कुंडलित रूप में क्रोमेटिन में मौजूद रहता है। तो एक क्रोमेटिन को जब हम खींचेंगे तो डीएनए बनेगा। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, हेरिटेटरी मटेरियल। और इसी डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, मान लिया जाए एक छोटा सा सेगमेंट हुआ, डीएनए का एक छोटा सा इकाई, एक डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट, एक सेगमेंट, एक टुकड़ा कहा जाता है जीन। क्या कहता है? जीन। जिस जीन को क्या कहते हैं? आनुवांशिक इकाई। और यही प्रत्येक जीन सजीव में खास लक्षण को निर्धारित करता है। यानी कि क्रोमेटिन फाइबर से गुणसूत्र, गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड, क्रोमेटिड बना होता है, उसमें डीएनए हाईली क्वाइल्ड रहते हैं, अति कुंडित संरचना के रूप में रहते हैं। डीएनए का एक छोटा सेगमेंट कहलाता है जीन। डीएनए को कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ, जीन को कहते हैं अनुवांशिक इकाई, और यही जीन एक खास लक्षण को निर्धारित करता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, यह सारा चीज पहले समझा चुके हैं। अब हम लोगों को यह समझना है कि जो वास्तव में डीएनए है, इसका छोटा सेगमेंट है जीन, यानी कि जो हमारा डीएनए है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो रासायनिक रूप से कैसे बना है, उसका रसायन क्या है, मतलब उसका कंपोजिशन क्या है, वो रासायनिक रूप से कैसे बना है, बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग यहां आते हैं। तो यहाँ बताया कि जो क्रोमेटिन फाइबर उसे बना गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र क्या होते हैं? तो न्यूक्लियो प्रोटीन थ्रेड होते हैं। अब ये क्या है? तो थ्रेड मतलब हो गया धागा, और न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, NUCLEIC, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो यहां जो प्रोटीन होता है इस गुणसूत्र में, ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि यूकैरियोटिक सजीव का खास लक्षण है। ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सजीव में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के गुणसूत्र के साथ या प्रोकैरियोटिक के डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सिर्फ यूकैरियोटिक सजीव में। तो यहाँ जो प्रोटीन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है। और ये बाबू क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो ये बेसिक होता है, ठीक है। एक और खास बात, यह हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। तो इस प्रोटीन की कहानी यही खत्म। गुणसूत्र जो दो चीज का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। तो प्रोटीन कैसा? हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है वो? तो क्षारीय प्रकृति का होता है और धनावेशित होता है। काहे क्षारीय का होता है तो हम लोग बात से देखेंगे। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के,
अब अमीनो एसिड कितना क्षार ये है उस पर डिपेंड करता है, वो बात की बात है। फिलहाल ये ध्यान दें कि प्रोटीन इसमें हिस्टोन वाला हिस्टोन प्रोटीन होता है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और धनावेशित होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है भाई? तो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अंदर कितने तरह के पाए जाएंगे? दो तरह के। एक को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरे को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अंदर कितने तरह के पाए गए? दो तरह। एक को कहेंगे डीएनए, दूसरे को कहेंगे आरएनए। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि जो डीएनए या आरएनए है ये पॉलीमर होता है। क्या होता है बाबू? पॉलीमर। पॉलीमर माने बहुलक। ये दोनों क्या है? पॉलीमर है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। पॉलीमर ठीक वैसे ही पॉलीमर है जैसे प्रोटीन भी पॉलीमर है। प्रोटीन भी बहुलक है जिसका एक इकाई क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल। पॉलीथीन, पॉलीथीन भी पॉलीमर है जिसका एक इकाई क्या कहलाता है? इथिलीन। पॉलीथीन का सूत्र क्या होता है? पॉलीथीन का सूत्र बाबू लिखते हैं ना, C2H4 और ये N, ये पॉलीथीन हो गया। यानी कि इथिलीन बहुत सारे मिलकर पॉलीथीन बनाएंगे। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुलक है, उसका एक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। उसी तरह से जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिसका उदाहरण डीएनए और आरएनए दोनों है, जो न्यूक्लिक अम्ल है ये भी पॉलीमर है, ये बहुलक है। अब अगर बहुलक है तो नो डाउट इनका एक इकाई होगा, इसका एक मोनोमर होगा, एक इकाई होगा। तो इसका मोनोमर या इकाई क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो एक इकाई है किसका? न्यूक्लिक अम्ल का, जिसका उदाहरण डीएनए और आरएनए दोनों। तो यानी कि जो डीएनए या आरएनए है यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? एक इकाई हो गया। इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? मोनोमर कहते हैं, मोनोमर या एक इकाई। तो न्यूक्लियोटाइड किसका एक इकाई हुआ, किसका मोनोमर हुआ? तो न्यूक्लिक अम्ल का, जिसका उदाहरण डीएनए या आरएनए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो यहां तक अगर समझ में बात आ गया, अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब देखना है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है। तो अब यहां देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। हम इधर मिटा के बताते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक इकाई हुआ। ये न्यूक्लियोटाइड दो चीज का बना होता है, किसका किसका? न्यूक्लियोटाइड दो चीज का बना हुआ है, किसका किसका? तो न्यूक्लियोसाइड का और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड NUCLEOSID न्यूक्लियोसाइड का बना हुआ है और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? यहां से ले गए न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? तो डीएनए या आरएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का यानी कि न्यूक्लिक एसिड का एक इकाई हुआ जो दो चीज का बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड का और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। कोई दिक्कत? अब देखिए ये इस न्यूक्लियोटाइड का ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का हम यही देख लेंगे, ये ट्राई बेसिक अम्ल होता है। ट्राई बेसिक अम्ल या ट्राई बेसिक एसिड या त्रिक्षारी अम्ल कहेंगे। इसका आप समझना देखिएगा, तो यही होता है यही है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है।
जो न्यूक्लियोटाइड के साथ पाया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं इसका कहानी खत्म, ये ट्राइबेसिक एसिड है, हाइपोफॉस्फेटिक एसिड। अब इसका जो हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड का, तो न्यूक्लियोसाइड दो चीज का बना होता है, किसका किसका, तो न्यूक्लियोसाइड दो चीज का बना हुआ है, फाइव कार्बन पेंटोज शुगर, फाइव कार्बन पेंटोज शुगर और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसेज, हेट्रो HETERO, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड दिखाई पड़ रहा है दो चीज का बना हुआ है, पहला क्या है फाइव कार्बन पेंटोज शुगर और दूसरा क्या है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या मिलाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अभी जब हम देखते हैं फाइव कार्बन पेंटोज शुगर, ये शुगर यहां बाबू दो तरह के होते हैं, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ये फाइव कार्बन पेंटोज शुगर दो तरह का हो गया, राइबोज शुगर जो सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा प्रेजेंट इन आरएनए, प्रेजेंट इन आरएनए, और दूसरा शुगर होता है जिसे कहते हैं डी ऑक्सीराइबोज शुगर, कौन शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर जो आरएनए में पाया जाएगा, और एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो किसमें पाया जाता है सिर्फ डीएनए में। यानी कि न्यूक्लियोसाइड दो चीज का बना होता है फाइव कार्बन पेंटोज शुगर और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें जो फाइव कार्बन पेंटोज शुगर हुआ वो दो तरह का हुआ, राइबोज शुगर जो आरएनए में पाया जाएगा और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो डीएनए में पाया जाएगा। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इस दोनों का ऐसे आपको 12th में पढ़ना होगा बायोकेमिस्ट्री में फिर से न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को हमसे भी बढ़िया से मैनुद्दीन भैया पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादा आता है हम तो अपना काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आपको ध्यान देना है कि दोनों शुगर में अंतर क्या है, दोनों तरह के शुगर में अंतर क्या है, चूंकि इस पर हम लोग आगे चर्चा करना है। तो देखिए पेंटोज शुगर है, ठीक है बाबू, तो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है दोनों, तो पेंटोज शुगर है ये दोनों पेंटोज शुगर है। तो इसमें क्या होता है जैसे अगर हम वन मान लेते हैं इसको कार्बन संख्या, ये वन, ये क्या हुआ कार्बन संख्या, ये कार्बन संख्या क्या हुआ वन हुआ, ये कार्बन संख्या मान लो वन है और ये कार्बन संख्या टू है, ये थ्री है फोर है फाइव। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है कि यहां पर ये हो गया राइबोज, ये हो गया राइबोज और ये है डीऑक्सीराइबोज। तो यहां होता है कि जो कार्बन संख्या दो है यहां पर ये उभयच्छ ग्रुप एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, राइबोज में हम कार्बन संख्या दो पर क्या दिख रहा है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइबोज शुगर ध्यान दीजिएगा जो पेंटोज शुगर दो तरह का हुआ, राइबोज जो पाया जाता है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि राइबोज शुगर जो आरएनए पाया जाता है उसे कार्बन संख्या दो पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओएच कार्बन संख्या दो पर, और यहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता है।
किसमें नहीं पाया जाता है? कार्बन संख्या दो पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें नहीं पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज। बस यही याद रखना, बाकी आप केमिस्ट्री बुक से हेल्प ले सकते हैं कि राइबोज सुगर है, जो पेंटोज सुगर है, जो आर नहीं पाया जाता, उसमें कार्बन संख्या दो पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीऑक्सीराइबोज के केस में नहीं पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज सुगर जो डीएनए में पाया जाता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस आगे मिलेगा। फिलहाल यही ध्यान देना है कि जो कार्बन संख्या दो पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज राइबोज में पाया जाता है। ये बेसिक हुआ, बाकी आप उसे पढ़िए समझ में आएगा। तो ये फाइव कार्बन पेंटोस सुगर की जो है कहानी खत्म। अब हम लोग ध्यान देंगे जो हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस ये आपको मिलेगा कि हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस ये दो तरह का होता है। घबराना नहीं है, एकदम जैसे से पढ़ा रहे हैं वैसे सेटअप करते चलिए और ध्यान दे चलिए, समझ बाबू आएगा, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। और पढ़ाई जिस ढंग से करना है कि हम अपने से जूनियर को समझा सके बिना किसी हेसिटेशन के, लेकिन बाबू बुक थोड़ा पढ़ना। तो हम यहाँ ले चलते हैं हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, जो एच जो एन टू बेसिड है, जो हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में, यानी न्यूक्लिक अम्ल में, जो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं प्यूरीन, पी यू आर आई एन, प्यूरीन। हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस दो तरह का हो गया, एक को कहेंगे प्यूरीन और दूसरे को कहते हैं पाइरिमिडीन। ठीक है, तो जो प्यूरीन जो नाइट्रोजनस बेस है ये वास्तव में दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एडीनी, जिसे कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे, और दूसरे कहते हैं गुआनिन, जिसे कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। एडिनिन को का केमिकल फॉर्मूला 6-aminopyrene होता है। आगे आप लोगों को जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे मैंने दिन भैया तो बताएंगे एडिनिन का फॉर्मूला क्या होता है, 6-aminopyrene कैसे होता है, हम लोग तो रट्टा मार देते हैं वही समझाएंगे। तो प्यूरीन जो नाइट्रोजनस बेस है, हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है, ये दो तरह का हो गया एडिनिन और गुआनिन। और ध्यान देना यह दोनों ही बेस आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये दोनों बेस इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन बोथ, इसमें किसमें, ये जो प्यूरीन जो नामक जो नाइट्रोजनस बेस है जिसके दो जो दो एग्जाम्पल इसके एडिनिन और गुआनिन, ये दोनों ही बेस डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट हुआ है। ये एडिनिन गुआनिन डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। जो पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस हुआ ये आपका तीन तरह का होता है, एक को कहते हैं साइटोसिन, साइटोसिन भी कहा जाता है, साइटोसाइन भी लोग कहते हैं, साइटोसिन या साइटोसाइन, जिसे कैपिटल सी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है थाइमाइन या थाइमीन, जिसे कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है, थाइमाइन या थाइमीन, जिसे कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। और तीसरा बाब होता है यूरासिल, तीसरा क्या होता है यूरासिल, इसे कैपिटल यू से इंडिकेट किया जाता है। मतलब जो हम यहां से ले कि जो न्यूक्लियोसाइड दो चीज का बना होता है, फाइव कार्बन पेंटोस सुगर और हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, तो पेंटोस सुगर दो तरह के हो गए, राइबोज जो आरएनए पर प्रेजेंट होते हैं और डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। बताया था दोनों बेसिक डिफरेंस की आपको याद रखना है कि जो राइबोज है ये पेंटोस सुगर, इसके कार्बन संख्या दो पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीऑक्सीराइबोज में
नहीं पाया जाता है। और इसका क्या फायदा होता है या घटा, ये हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में दोनों में बेटर कौन जेनेटिक मेटीरियल होता है, वहां आपको हम समझाएंगे। फिलहाल यही जानिए कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन स्पेस दो तरह से होता है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। तो प्यूरीन नाइट्रोजन स्पेस दो तरह का होता है, एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। तो ये जो एडिनिन और गुआनिन है ये डीएनए और आरएनए यानी कि जो प्यूरीन बेस है ये दोनों में पाया जाता है, डीएनए आरएनए दोनों में, यानी कि दोनों ही बेस डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी में भी। जो पाइरिमिडीन बेस है ये तीन तरह का होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिन। तो इसमें थोड़ा सा है कि यहाँ जो तीनों तरह के जो नाइट्रोजनस बेस है पाइरिमिडीन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में नहीं प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है इसमें से तीन में से ये जो दो है, मतलब जो साइटोसिन और थाइमिन है, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? डीएनए। कौन कौन? साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। यानी यही ध्यान देना है कि यूरासिल बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। ये जो पाइरिमिडीन तीन तरह के हुए, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, इसमें से दो ही नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाया जाता है। कौन कौन? साइटोसिन और थाइमिन। और यहां से दो नाइट्रोजनस बेस आरएनए में भी पाया जाता है, वो कौन कौन है? तो साइटोसिन और यूरासिल। कौन कौन है? साइटोसिन और यूरासिल। ये किसमें पाया जाता है? ये आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरएनए में। आरएनए में क्या क्या पाया जाएगा? साइटोसिन और यूरासिल। इट मींस कि ये जो थाइमिन बेस है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, आरएनए में नहीं पाया जाएगा। और आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरासिल नामक पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा। इसका कई जगह उपयोग आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से सुनिए, ये जो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस है तो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें एडिनिन गुआनिन दोनों ही पाया जाएगा डीएनए आरएनए में। लेकिन जो पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस है ये तीन तरह का है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। इसमें से दो यानी कि साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होगा, यानी कि डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाएगा। और आरएनए का बात करें आरएनए में साइटोसिन पाया जाएगा और यूरासिल पाया जाएगा, आरएनए में थाइमिन बेस नहीं पाया जाएगा। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, ये कंपटीशन में भी आया है। थाइमिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर देखिएगा तो जनरली याद रखिए कि 5 मिथाइल यूरासिल होता है थाइमिन, यानी कि यूरासिल का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके 5 कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, वही क्या हो जाता है? थाइमिन हो जाता है या थाइमाइन हो जाता है। 5 मिथाइल यूरासिल, यानी कि यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाइए, उसके 5वें कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए, थाइमिन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि यूरासिल बेस डीएनए में नहीं होगा, आरएनए में होगा। थाइमिन बेस डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा। ये डीएनए और आरएनए में अंतर भी आता है, आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और जीव विज्ञान में भी, वहां ये काम देगा। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात। अब हम लोग देखेंगे कि एक कैसे पाए जाते हैं डीएनए में। तो हमने बताया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए हो गए उसका एक इकाई हुआ जो दो चीज का बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड है, और बताया कि न्यूक्लियोसाइड दो चीज का बना हुआ है, पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस का। सुगर दो तरह का हो गया और यहां हमने देख लिया। अब देखना है कि व्यवस्था कैसे होता है आरएनए और डीएनए। तो थोड़ा सा उस व्यवस्था को देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि कह रहा है, सबसे पहले जब रिसर्च चल रहा था तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिक्सचर। तो आप एफ मिक्सचर भी याद रख सकते हैं, MEISCHER। ये क्या थे? ये आनुवांशिक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कोशिका के केंद्रक में एक खास तरह का अम्लीय पदार्थ देखा, इसने मिक्सचर में क्या देखा?
कोशिका के अंदर केंद्रक में एक खास तरह का अम्लीय पदार्थ देखा और इस अम्लीय पदार्थ को इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लीन शब्द दिया, NUCLEIN। क्या कहा इन्होंने? न्यूक्लीन कहा। किसने? फ्रेडरिक मिस्टर ने। किसको कहा न्यूक्लीन? केंद्रक में उपस्थित एक अम्लीय पदार्थ। क्योंकि उसके पहले डीएनए क्या है, कैसे रहता है, उसका बनावट क्या है, किसी कुछ पता बिल्कुल नहीं था। बाद से स्टडी होता रहा, बाद से एफ एच सी विल्किंस, WILKINS ने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी किया था। क्या किया इन्होंने, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी किया डीएनए का। और इस इनके जो डीएनए जो इनके द्वारा जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी किया गया, किसके द्वारा? विल्किंस महोदय के द्वारा। उसके आधार पर ध्यान दीजिएगा, वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, CRIC, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया। डबल हेलिकल मॉडल, ध्यान देना है फिर से कि वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिस्टर। वो जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोशिका के केंद्रक में एक खास तरह का अम्लीय पदार्थ है, लेकिन वो क्या है, क्या करता है नहीं बताया, उसको उन्होंने न्यूक्लीन कहा। लेकिन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े कि यह बात क्लियर हो गया था कि कोशिका के अंदर केंद्रक में ऐसा कोई चीज है जिसे जीन कहा गया, या मेंडल साहब इसे कारक कहा था, कि जिसके चलते माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं। ठीक है, ये बात तो तय हो गया था, और ये भी बात क्लियर हो गया था कि वो केंद्रक में है। रिसर्च होता गया और इस कड़ी में विल्किंस महोदय ने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया, और उस क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर वाटसन और क्रिक दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल इसका डीएनए का द्वि कुंडलनी संरचना, डीएनए का द्वि कुंडलनी संरचना प्रस्तुत किया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, और इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया, और इसी में एक दूसरे वैज्ञानिक थे, इरविन चारगास। क्या नाम था उनका? इरविन चारगास। इरविन चारगास महोदय ने चारगास रूल दिया। इरविन चारगास, जिसे चारगास रूल भी कहते हैं, इरविन चारगास रूल किसने दिया था? ये चारगास रूल दिया किसने? इरविन चारगास ने, कि कैसे नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं सजीवों। तो चारगास रूल क्या है, या इरविन चारगास ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी भी सजीव के डीएनए में जितना प्यूरीन नामक नाइट्रोजनस बेस होता है, उतना ही पाइरिमिडीन नामक नाइट्रोजनस बेस होता है। और उन्होंने कहा था कि किसी भी सजीव के डीएनए में प्यूरी और पाइरिमिडीन नामक नाइट्रोजनस बेस का मात्रा बराबर होगा। और उन्होंने कहा था कि जो प्यूरी होता है किसी भी सजीव के डीएनए में, उसमें हमेशा एडिनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है, और एडिनिन नामक नाइट्रोजनस बेस का मात्रा थाइमिन नामक पाइरिमिडीन बेस के बराबर होता है। ठीक है, यहां इसका हम दो माने समझेंगे, कि एडिनिन का पेयरिंग हमेशा थाइमिन के साथ होगा, और किसी भी सजीव के डीएनए में जितना एडिनिन, एडिनिन क्या है? प्यूरीन नामक नाइट्रोजनस बेस है, और थाइमिन क्या है? पाइरिमिडीन नामक नाइट्रोजनस बेस है। तो किसी भी सजीव के डीएनए में जितना एडिनिन का अमाउंट होगा, मात्रा होगा, उतना ही थाइमिन का होगा। साथ ही साथ ये दोनों ही आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये चिन्ह हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखा रहा है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और बराबर को भी इंडिकेट करता है। लाइकवाइज किसी भी सजीव के डीएनए में जितना गुआनिन नामक नाइट्रोजनस बेस का मात्रा होगा, उतना ही साइटोसिन का होगा। ये इक्वल को भी इंडिकेट कर रहा है, और इंडिकेट कर रहा है कि आपस में ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं।
ठीक है, और इसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ए बाई टी बराबर वन या जी बाई सी बराबर वन, या इसको चरगाप रूप में भी है ए प्लस जी बाई टी प्लस सी बराबर वन। ए प्लस जी बाबू क्या हुआ, तो ए प्लस जी हुआ किसी भी जीव में, ए प्लस जी मतलब क्या टोटल प्यूरी नाइट्रोजन का मात्रा, बट्टा टी प्लस सी क्या हुआ पाइरिमिडीन नामक नाइट्रोजन का मात्रा, ये प्यूरीन टोटल प्यूरीन का नाइट्रोजन का अमाउंट और ये हो गया पाइरिमिडीन का, तो ये ए प्लस जी बट्टा टी प्लस सी मतलब प्यूरीन नाइट्रोजन का मात्रा बट्टा पाइरिमिडीन नाइट्रोजन का मात्रा इक्वल टू वन होता है, एकदम फिक्स होता है। अब क्रॉस कीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, ये कहलाता है बाबू इरविन चरगाप्स रूल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, चूंकि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है डीएनए का मोनोमर, तो कैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और कैसे आपस में जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पहले हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड के पहले हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है न्यूक्लियोसाइड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का, और न्यूक्लियोसाइड सुगर और बेस का बना होता है, तो सुगर और बेस के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, फिर ये न्यूक्लियस सुगर और बेस के बीच में पहले बॉन्ड बनेगा, फिर वो हाइपोफॉस्फेटिक एसिड जुटेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, फिर न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनेगा, तब न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक जरूर पढ़िए, और जब हम पढ़ा रहे हो तो रॉक कॉपी लेकर बैठिए और बुक से रिविजन जरूर कीजिए। धन्यवाद।